दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिनका लिमिटेड बजट है या फर्स्ट टाइम बायर है। बजट की मैं बात करता हूं तो अगर जिनका बजट 10 लाख है या उससे नीचे का बजट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अहम ये वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा ध्यान देकर के देखना। और गाड़ियां हम ऐसी चूज करके लेकर के आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पैसा आपका बहुत ही ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी गाड़ियां आपके घरों के अंदर आए ताकि आप लगभग 15 साल तक उन गाड़ियों का लाभ उठा सको। तो देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों के ऊपर आपको पैसा लगाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गाड़ियां मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पहले से अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने इनको तगड़े तरीके से जांचा और परख रखा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रिलायबल गाड़ियों की लिस्ट के अंदर हमारी सबसे ऊपर जो गाड़ी आती है वो आती है ब्रेजा। ब्रेजा की शुरुआत हो जाती है 8,34,000 रुपए से। आपको भी पता है कि कितना तगड़ा और कितना रिलायबल प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करता हूं सेफ्टी की तो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी इस गाड़ी को मिली हुई है आज के दिन भी। इनफैक्ट पिछले महीने तक अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज की मैं बात करता हूं तो ये गाड़ी सबको पछाड़ते हुए नंबर 1 के ऊपर है इस सेगमेंट के अंदर। और बड़े लंबे टाइम से इसको कोई अपडेट नहीं मिला है, उसके बावजूद लोगों का ट्रस्ट देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तगड़े रिलायबल इंजन के साथ आती है, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी, एक अच्छी एवरेज भी निकाल देती है। और मैं बात करूं अगर सर्विस कॉस्ट की तो सर्विस कॉस्ट लगभग 4,500 रुपए के आसपास से ऊपर ज्यादा नहीं जाती है। अगर आप एक जागरूक ग्राहक हैं तो जो यूजर मैनुअल के अंदर आता है बस वही चीज करवाइए, आपकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा नहीं जाएगी। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत अपना बजट बढ़ाते और ऑटोमेटिक लेने के इच्छुक हैं तो ये गाड़ी 11.09 के अंदर आ जाती है ऑटोमेटिक, वो भी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। बस इस गाड़ी के अंदर एक दिक्कत यह है कि भैया ये वारंटी सिर्फ 2 साल या 40,000 किलोमीटर की देते हैं। सारे मारुति वाले ऐसे ही कर रहे हैं भाई हर एक गाड़ी के अंदर, लेकिन आपको एक्सटेंडेड वारंटी जब लेते हैं तो आपकी वारंटी हो जाएगी 5 साल या 1,00,000 किलोमीटर तक की, जो कि थोड़ा बहुत पैसे में आपको मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर वैरायटीज इतनी है कि ये आपको सीएनजी के अंदर भी अवेलेबल है। और सीएनजी कंपनी फिटेड गाड़ियों की तो बात ही अलग होती है, खास तौर पर मारुति की, वो आप सबको पता ही है। जरा रुकिए, इस वीडियो के बीच में ही मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी है या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये गाड़ी बढ़िया है या ये गाड़ी अच्छी है आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैंने लिंक छोड़ दिया है, वहाँ पर जाकर के सवाल पूछिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो जवाब दिया जाएगा। आज की आज जाकर के वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी गाड़ी भी बिल्कुल भी कम नहीं है अपने सेगमेंट के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ होंडा अमेज की। जी हाँ, मैं कह रहा था ना आपको कि बहुत ही जाची परखी जो है ना गाड़ियाँ आपके लिए लेकर के आए, बहुत ही ज़्यादा सेफ डिसीजन जो है ना वो आप कह सकते हो कि ऐसी गाड़ियाँ चुनी है मैंने आपके लिए। होंडा अमेज एक 4 सिलेंडर कार है, ठीक है, दूसरी जो कि NA इंजन के साथ आती है, सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन के साथ में आती है। और इसकी भी सर्विस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं है, वही आपकी 4,500-5,000 रुपए के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट रहती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये गाड़ी प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ आती है, मतलब कि CVT के साथ में आती है, तो ऑटोमेटिक के जो दीवाने हैं वो डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर आंख बंद करके जा सकते हैं। यह गाड़ी 7.19 लाख से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपको CVT गाड़ी खरीदनी है तो वो गाड़ी स्टार्ट होती है 8,77,000 रुपए से, 8.77 लाख से। इस गाड़ी की बहुत अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में वारंटी मिलती है आपको इसकी, तो एक डिसेंट एवरेज निकालने वाली, बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन के साथ आने वाली, बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन के साथ में आने वाली ये गाड़ी है जिसको आप बेझिझक ले सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा झटका जरूर लगा था यार कि ये गाड़ी 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग से सीधा 2-स्टार रेटिंग के ऊपर आ गई NCAP के अंदर। लिस्ट के अंदर अगली गाड़ी है एक माइक्रो SUV। अगर आप कोई माइक्रो SUV खरीदना चाहते हैं, एक रिलायबल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि होंडे एक्स्ट्र के ऊपर आप जा सकते हो, जो कि 6,12,000 से शुरू हो जाती है। इसके अपने अपने रीजन है। देखिए, मैं बताता हूं कि ये गाड़ी बेहद स्मूथ है, लेकिन बहुत ज्यादा क्विक नहीं कह सकते। अगर इससे ज्यादा क्विक की बात करते हैं तो आपको इग्निस जो है ना उसके ऊपर जाना चाहिए, वो भी 4 सिलेंडर गाड़ी है, ये भी 4 सिलेंडर गाड़ी है, वो थोड़ी सी आपको पैपी ज्यादा लगने वाली है। लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि ये गाड़ी जो है वो आपको ज्यादा सेफ्टी प्रदान करती है, सेफ्टी फीचर जैसे कि 6 एयरबैग इसके अंदर स्टैंडर्ड आ जाते हैं। दूसरी चीज, ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसके अंदर आपको
आपको स्पेस वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो अगर एक ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो इस गाड़ी को थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है। बात यही है कि इनके काफ़ी अच्छे सर्विस सेंटर वगैरह है, नेटवर्क वगैरह तगड़ा है, मतलब कि हुंडई की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे इसके कंपटीटर्स के मुकाबले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। साथ ही साथ आपको सर्विस कॉस्ट जो है वो भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ती इस गाड़ी की भी, और एक रिलायबल और स्मूथ इंजन के साथ में ये आती है। अगेन मैं आपको दोबारा से कहूँगा कि गाड़ियाँ हम चुन करके वो लेकर के आए हैं जो कि आपको ख़रीदने के बाद परेशान ना करें, समझ रहे हैं। देखिए अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मैनुअल के ऊपर ही जाओ, क्योंकि इसका AMT जो है वो 8.22 से स्टार्ट होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी नहीं आने वाला उसके अंदर। बेटर है कि आप इस गाड़ी को मैनुअल के अंदर ही खरीदें तो। और इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जो है वो लगभग आपको 4.5 से 5.5 हज़ार तक की मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हुंडई के जो सर्विस पार्ट्स वगैरह जो है ना वो थोड़े से दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़े से एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। अब लिस्ट के अंदर अगली गाड़ी है हमारी जिसको हेट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन सेल्स के मामले में सबसे ज़्यादा उसको ख़रीदना लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि लोग हेट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। जब पैसा लगाने की बारी आती है तो उसके अलावा और दूसरी गाड़ियों के ऊपर कम जाना पसंद करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बलिनो की। देखिए ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सेफ्टी रेटिंग तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वो भी भर भर करके। साथ में एक बेहतरीन जो है ना सर्विस एक्सपीरियंस आपका मिलता है नेक्सा का, साथ के साथ एक तगड़ा और बेहद स्मूथ रिलायबल इंजन आपको मिलता है। बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी जो है ना आपको लगेगी ये, और इसके मतलब कि पार्ट्स लगभग हर जगह अवेलेबल हैं और बहुत ही आपको रोडों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देने वाली गाड़ी है। इसकी तगड़ी रीसेल वैल्यू भी आपको मिल जाएगी अगर निकालना चाहेंगे तो, मतलब कि सेफ्टी रेटिंग को छोड़ करके एक सुपर डुपर हिट गाड़ी के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस गाड़ी के अंदर हैं। एक तरीके से संपूर्ण गाड़ी आप इसको बोल सकते हो। ये गाड़ी 6.66 से स्टार्ट हो जाती है, और इस गाड़ी के अंदर वारंटी की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि मारुति वाले देते हैं भैया 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की, आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर से जरूर ले सकते हो। अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करता हूँ तो लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आपको बैठती है। इसके अंदर अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो वो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। इसकी बजाय आप किस गाड़ी को ऑटोमेटिक के अंदर ले सकते हो, इसकी बजाय आप ऑटोमेटिक i20 को ले सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर CVT के साथ में आती है। बलिनो की बजाय बेहतर ज़्यादा एक अच्छा जो है ना उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन i20 ऑटोमेटिक को लेने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी 9.42 एक्सशोरूम से स्टार्ट होती है, मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस i20 के अंदर आपको सेफ्टी के हिसाब से 6 के 6 जो स्टैंडर्ड जो है ना एयरबैग आपको मिल जाएंगे, बेस वेरियंट से स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं इंजन की बात करूँ, एक पेपीनेस की बात करूँ, एक जो फुर्तीले इंजन की बात करूँ, तो वो बलिनो का आपको इससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप। अब अगर ना आपको बलिनो लेनी है भाई, ना अगर आपको i20 लेनी है, और थोड़ा सा SUV के नज़दीक पहुंचना है, और हमारी लिस्ट के अंदर एक तरीके से फेवरेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है वो गाड़ी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ फ्रोंग्स की, डेफिनेटली आँख बंद करके गाड़ी लेने वाली है, क्योंकि जो बलिनो के अंदर जो भी एडवांटेजेस मिलते हैं वो सारे के सारे खींच करके अपने पास लेकर के आई है फ्रोंग्स, और साथ के साथ एक ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस, एक बेहतरीन सस्पेंशन जो है ना इस गाड़ी के आपको लगने वाले हैं। मज़ेदार गाड़ी है, तगड़ी ज़बरदस्त एवरेज निकालती है, बहुत ही लो सर्विस कॉस्ट है इसकी, ठीक है, नेक्सा की ज़बरदस्त आपको सर्विस मिल जाती है, और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आपकी 7.51 लाख से। इन तीनों गाड़ियों की अगर मैं लुक्स की बात करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लुक्स वैसे फ्रोंग्स की लगती हैं। आप लोगों का पर्सनल चॉइस हो सकती है, वैसे आप लोगों का क्या मानना है कि फ्रोंग्स आपको कैसी गाड़ी लगती है, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर बताना। अब हमारी लिस्ट के अंदर एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों जिससे आप सहमत हो भी सकते हैं नहीं भी, और ज़्यादातर असहमत वही लोग होंगे जिन्होंने उस गाड़ी को देखा नहीं होगा या चलाया नहीं होगा या फील नहीं किया होगा। हमने उस गाड़ी को चलाया, देखा, फील किया, स्पेशली बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो कि इस बजट के अंदर आ सकती है, आ जाती है, ये है एक आप कह सकते हो कि मिड साइज SUV है, मैं बात कर रहा हूँ MG Aster की। ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है सेगमेंट के अंदर जो कि 9.98 से स्टार्ट होने के बावजूद एक कंप्लीट गाड़ी देती है बेस वेरिएंट के अंदर ही। आप जाकर के उसका इंटीरियर देखोगे तो आप कह ही नहीं पाओगे कि यार ये गाड़ी जो है
वो बेस वेरिएंट नहीं है। आप कहोगे कि यार ये तो किसी का टॉप वेरिएंट लगता है, जी हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही। आपको सॉफ्ट टच मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा, राइड हैंडलिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा गजब की आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। हालांकि जो इसके अंदर NA इंजन जो दिया गया है 1.5 फोर सिलेंडर, वो इतना ज़्यादा आपको पैपी नहीं लगेगा या उतनी तगड़ी एवरेज नहीं निकालेगा। ये गाड़ी किन लोगों के लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, जिनकी रनिंग काफ़ी कम है, क्योंकि लुक्स के अंदर तो बेहद शानदार दिखाई देती है बाहर से भी, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपको फील, एक रिच फील जो करवाती है ना, वो अंदर बैठ करके करवाती है। अगर आपकी रनिंग कम है तो इस गाड़ी को बेझिझक आप चूज़ कर सकते हैं। ये गाड़ी भी आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के साथ में आपको मिलती है, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको अच्छा कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी इस गाड़ी के ऊपर मिल जाए, क्योंकि MG Aster की सेल उतनी ज़्यादा नहीं है। MG भरपूर कोशिश कर रहा है इस गाड़ी को निकालने के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि बेहद बेहद कम मुनाफे के ऊपर MG जो है वो इस गाड़ी को बेच रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो मटेरियल लगा है, मतलब कि जो फील जो दी है ना इन्होंने, वो बहुत ही तगड़ी है। आप जाकर के एक बार ज़रूर चेक करके देखना, अगर 10 लाख के आसपास आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो अब बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि यार ये गाड़ियाँ आपने नहीं उठाई, ये तो 5-स्टार रेटिंग के साथ में थी, ये थी वो थी, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन हमने ये गाड़ियाँ इसलिए चूज़ करी हैं कि बेहद ज़्यादा रिलायबल इंजन के साथ में आती हैं। ये गाड़ियाँ आप लंबे टाइम तक अपने परिवार के अंदर रखो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगी ये गाड़ियाँ, आपको सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप सेफ गाड़ियाँ चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेफ्टी प्रायोरिटीज़ है, तो हमारी लिस्ट के अंदर भारी फेरबदलाव होगा। इनफैक्ट नंबर 1 से ही जो है ना हमारी गाड़ियाँ चेंज वगैरह हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा वीडियो देखना, तो हमें नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए एक बेहतरीन जबरदस्त वीडियो जो है हम आपको बना करके देंगे। हमारा पूरा फोकस ये था कि आपका जो है ना बहुत ही सेफ डिसीजन हो, आपकी पैसा गलत जगह ना चला जाए, समझ रहे हैं आप, यही हमारा एक जो है ना वो एकमात्र उद्देश्य था आज के वीडियो का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार गाड़ी कौन सी खरीदनी है, आपका बजट ये है, नई खरीदनी है कि पुरानी खरीदनी है, वो सारा का सारा हम 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे देते हैं। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जा करके सवाल पूछते हैं, तो समझ रहे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे तरीके से देख परख करके आपको वहाँ पर गाड़ी सजेस्ट हम लोग करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।